मैं पंजाब में था, यूपी में था, और एक छोटी तो कोई गवाही नहीं होती है प्रभु की, क्योंकि प्रभु बड़ा है। जिस होटल में पंजाब में रह रहा था, तो जनरली मैं अनोनमस रहता हूँ, जिन्होंने बुलाया होता है उनको बोल देता हूँ कि बोलो मन कौन है, अच्छा है बुरा है, चुप कर सकते। लेकिन जब लोग आने शुरू होते हैं तो उनको थोड़ी समझ आनी शुरू हो जाती है स्टाफ से कि कुछ है। तो मैं बाहर एक टिका वगैरह सब, तो आज मैं आपको सिखाऊंगा, आज हिंदी में बात करता हूं। एनीबडी कैन ट्रांसलेट इफ आई स्पीक इन इंग्लिश? एनीबडी हू गॉट हिम्मत? नो, चलिए हिंदी में बोलता हूं। जैसे हमें पता है कि जो हमारा प्रभु है वो गॉड है, ट्रिनिटी है कि नहीं, पिता पुत्र और होली स्पिरिट। बोलिए पिता पुत्र और होली स्पिरिट। वैसे ही हम तीन चीजों के बने हैं जो इंसान, इंसान भी तीन चीजों का बना है, सोल स्पिरिट एंड बॉडी। बोलिए सोल स्पिरिट बॉडी। अभी जो गॉड हेड है, फादर सन होली स्पिरिट, वो परफेक्ट है, लेकिन आदमी का सोल स्पिरिट बॉडी परफेक्ट नहीं है, समझा? तो आज हम स्टडी करेंगे, अगर किसी भी जगह प्रॉब्लम है तो इट विल इफेक्ट योर माइंड। स्पिरिट क्या होता है? स्पिरिट इज द स्पार्क। मैंने ग्रीक से स्टडी किया, आज जो ओरिजिनल मीनिंग है ध्यान से सुनिए। वो ऐसा होता है कि आपको मैं बहुत बढ़िया गाड़ी दे दूं, उसमें सब कुछ है, उसमें इंजन है, उसमें एक्सेलरेटर है, उसमें स्टीयरिंग व्हील है, सब कुछ है, पर पेट्रोल नहीं, क्या वो चलेगी? स्पिरिट इज द एनर्जी, द स्पार्क ऑफ लाइफ। किसको डांट खानी? दीपा नहीं। तो सोल इज द बीइंग, सेविंग ऑफ सोल, सिंपल। रेडियो बैटरीज टू अ रेडियो, विल अ रेडियो वर्क विदाउट बैटरीज? बैटरी के बिना रेडियो काम करेगा? नहीं करेगा। तो अगर हमारा फ्यूल रॉन्ग है तो गाड़ी का बैंड बज जाएगा, विच इज द सोल। थिंक ऑफ द कार इज द सोल एंड पेट्रोल इज द स्पिरिट। अगर हम उसमें केरोसिन डाल देंगे तो कार पूरी खराब हो जाएगी, पानी डाल देंगे पूरी कार खराब हो जाएगी, गंदम हो जाएगी। तभी बाइबल बोलती है टेस्ट द स्पिरिट्स, स्पिरिट्स को टेस्ट करिए। अच्छी स्पिरिट्स हैं, गुड स्पिरिट्स और बॉडी, ये तीन चीजों से हम बने हैं। बॉडी का आप ख्याल नहीं रखेंगे, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज नहीं करेंगे, थोड़ा ठीक खाना नहीं खाएंगे तो बीमारी आए। स्पिरिट अगर खराब हो जाती है तो आपका सोल भी खराब हो जाएगा, आपकी बॉडी भी खराब हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई? सोल इज द बीइंग, सेविंग ऑफ सोल्स, यू कनेक्टेड दैट, माइंड वाइंड का सब आपका गलत ख्याल आने जाएंगे, सब कुछ इनकम पैस्ट है। Spirit, the spark, the power. This can be, ये अच्छी पावर हो सकती है या बुरी पावर हो सकती है। बॉडी, आप उसका ख्याल रखेंगे वो ठीक रहेगी, नहीं तो आपको धोखा दे देगी। वन थेसलोनियंस 5:23, दादाजी पढ़ेगी।
उसका पांचवा अध्याय और 23वीं आयत। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। फिर से पढ़िए। एक थिस्सलुनियों की पुस्तक उसका पांचवा अध्याय और 23वीं आयत। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। Who keeps our soul, spirit and body in good shape is the sanctification of the Lord. The sanctification of the Lord keeps our soul, spirit and body in good shape. Do you understand that? Abhi sanctify ka Hindi mein kya likha hai? Prabhu aaye aur एक कुरंथियों के लिए
पुस्तक उसका छठा अध्याय उसकी 19 और 20 आयत, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? एक घर अच्छा या बुरा होता है देखने में कैसे आपने सजाया, पर उसकी रेपुटेशन अच्छी या बुरी होती है उसकी वजह से जो उसमें रहता है। अगर आदमी सही है तो घर सही है, क्या उसने लाल पेंट किया हो दीवारों पे, जो मैं नहीं करूंगा। लेकिन बहुत अच्छा सजा हुआ घर, उसमें कोई चोर उचक्का रहता है या कोई चीटर रहता है तो लोग कहेंगे ये घर ठीक नहीं। फिर से बड़ी, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? तुझे हमारे इस घर में सोल स्पिरिट और बॉडी में जो राज करना चाहिए वो होली स्पिरिट को राज करना चाहिए। जब होली स्पिरिट हमारे देह में, हमारी रूह में और हमारे कार पेट्रोल रेडियो बैटरी जब वो रूल करते हैं तो हमारी हमारे देह में, हमारी रूह में और हमारे बदन में संतुलन आ जाता है, उससे विजडम आता है। कुछ लोग होते हैं जिनको देख के आपको लगता है कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, शायद छोटा सा पार्ट में भी हूं कि इनकी बात सुनेंगे प्रॉब्लम में तो सोल्यूशन निकले। अगर आप ये देह में, अपने में और स्पिरिट में, रूह में होली स्पिरिट को रेन करने देते हैं तो आपको बीमारी होगी नहीं या बहुत कम होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सूरज जब भी देखते हैं और आप भूख रख लेते हैं या आप अम्ब्रेला खोल रहते हैं और फिर बोलते हैं हड्डियों में दर्द क्यों होता है, क्योंकि वो भी विजडम है कि सूर्य से विटामिन डी मिलता है। आपको पता है 98% इंडियंस को D3 की कमी है। मेरा बस चले जो मैं सारी फेयरनेस क्रीम्स को समुद्र में देखू, बड़े प्रॉब्लम। हेल्दी स्किन, डार्क व्हाइट डज नॉट मैटर। आगे पढ़िए, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अभी देखिए यहां पे मैं लिख सकता तो आपको और अच्छा समझ आता। द क्वेश्चन इज नॉट फ्रिवोलस, कोई छोटी बात नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है। जो मुझे कहीं से भी आप देख रहे हैं बहुत ध्यान से सुन लेना, आपको होली स्पिरिट क्यों मिले? अभी आपने तवज्जो दिया है, आपको होली स्पिरिट क्यों दिए गए? गॉड द होली स्पिरिट, जो वो भी आसमान छोड़ के आए हैं ना, पृथ्वी पे रह रहे पोल्यूशन क्योंकि आपको खरीदा गया है। उसका भाव जो था, उसका भाव का कोई अमाउंट नहीं है, वो भाव था यीशु मसीह। समझा आपने?
उसकी वजह से आपको होली स्पिरिट मिले, रिसीव दाओ द होली स्पिरिट। तो अगर आप इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझेंगे तो कैसे चलेगा। हमेशा मैं होली स्पिरिट से ये नहीं बोलता कि मैं हर वक्त कोई, लेकिन जब मेरे को मैं उस लड़की मास्टर की हरजिंदर की लड़की लड़के की बेटी को बोला, मैंने हाथ रखा, होली स्पिरिट ने बोला हील हो गई। उनको था अरिथमिया, क्या होते हैं अरिथमिया विच कैन गेट वेरी डेंजरस, तेज हार्ट बीट, 3-4 साल की खूबसूरत बच्ची। तो मुझे पता, मेरे को हार्ट में आया हील, तो मैंने उनको बोल दिया, उन्होंने रिसीव किया, फेथ बढ़ा। रात को आए तो उसकी हार्ट बीट एकदम नॉर्मल। एक बच्चे का हर्निया इतना बड़ा, तो बाहर आ जाता है, डॉक्टर वृंदा नहीं है यहाँ, ही वर इन प्रेयर, आई डोंट नो वेदर इट कैन हैंग आउट और व्हाट, बट ही सेड ऐसे हैंग आउट कर रहा था। तो जब कुछ वचन आया तो उसने शर्ट उठा के देखा तो प्लेन स्किन था। तो अभी रेन करने देते हैं अंदर, तो ऑटोमेटिकली हमें गॉसिप करने का इतना दिल नहीं करता, हमें प्रभु की खूबसूरत चीजों के ऊपर ध्यान करने का दिल करता है, नदी पहाड़ समुंदर पेड़ पौधे फूल, हमारे को गुस्सा कम हो जाता है क्योंकि विजडम आ जाता है। मुझे कोई फालतू में कुछ बोल रहा है तो या तो इधर आए तो मैं उसकी सोच बदलूं, है ना। क्यों मैं अफेक्ट होने देता हूं कि उसकी गलत सोच से मेरे को गुस्सा आए या मैं किसी के बारे में गलत क्यों बोलता हूं। मुझे ज्यादा लोग अच्छे लगते, मैं अच्छा ही हूं, और मैंने ये देखा है जिंदगी में जो ढूंढोगे वो मिल जाए, बुराई ढूंढोगे बुराई भी नहीं, ऐसा नहीं बुराई नहीं दुनिया में, पेपर पढ़े तभी मैं क्रूसेड पे जाए, 10 दिन की हो जाए 12 दिन की हो, आई कैन नॉट रीड न्यूज पेपर, आई कांट सी टीवी। यहाँ पे मेरे को आप 4 घंटे दिखा दो, ऐसा संत आदमी नहीं हो, बॉम्बे में 4-5 घंटे आप मैं टीवी देखता रहा हूं, और वहां इच्छा नहीं होती। ऐसा नहीं कि मैं अपने आप से कोई फास्टिंग कर रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं, पर क्योंकि वहां पर काम ऐसा होता है कि होली स्पिरिट का ऑपरेशन मेरे में बढ़ जाता है, तो मेरे को उन चीजों को देखने का दिल नहीं करता। मैं ये नहीं बोलता हूं बुरी है, उनको बॉम्बे में मैं देखता हूं, लेकिन जो और भारी बातें हैं जिसके लिए हमें खरीदा गया, जिसके लिए यीशु मसीह ने अपने प्राण दिए, वो मेरे सहन में बढ़ जाती है। तब भी नहीं आप टैन हो गए, मैं बोलता हूं। हमने कहा अच्छा, घूम रहा था पहाड़ों में, खेल रहा था, कूद रहा था, गोरे आदमी जेल में होते हैं, धूप नहीं लगती, गोरे भी अच्छे गोरे भी अच्छे सब अच्छे। सबका स्वागत है, सुरजीत सिंह नेगी जी, कंचन नागदेव जी, क्या वेरी ऑडियंस है मेरी, रेणु गिल जी, कंचन जी, चावला जोशी जी, विजय सबरवाल जी, हरीश जी, हर्षा जी, प्रसन्न कुमार जी, दीपा जी, दीपिका गोडवाल जी, रशपाल पाली जी, चावला जोशी जी, परी जी, आरोग्य मालवा जी, भारती रावत जी, और जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं सबका मैं स्वागत करता हूं। देखिए देखिए आराम से देखिए, और प्रेज द लॉर्ड बोलता हूं, जय मसीह की बोलता हूं। लास्ट स्क्रिप्चर वॉज 1 Corinthians 6:19-20, करेक्ट। दुनिया में प्रॉब्लम खत्म हो जाए
जब हम कुछ करें तो उसको कॉन्फिडेंस के साथ करें। कौन सा रंग पसंद है? नीला अच्छा है, पीला अच्छा, मुझे सब अच्छा। जब हम कोई भी चीज ये सोच के करते हैं कि हमारा सोल, हम, हमारी रूह और हमारी बॉडी उससे सहमत है तो हम तंदुरुस्त होते हैं। ऐसे मैं आपको एक स्क्रिप्चर दिखा रहा हूं जिस जो छोटा सा है और उसमें बहुत दम है, उसमें बहुत बोली दम बेटा है दम क्यों बोले नहीं हम? 1 Corinthians प्रभु का दम बेटा है दम यार। 1 Corinthians 10:31 एक कुरंथियों की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत। सो तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। ये कितना सिंपल है पर कितना डिफिकल्ट। जब आप प्रभु की महिमा के लिए करते हैं तो आपका सोल स्पिरिट बॉडी जो है वो सिंक में आ जाता है और वो चीज जो है आशीषित हो जाती है। वो चीज आशीषित हो जाती है। वेरी गुड योर टेपिंग ना इज अ गुड थिंग मैसेज नीड्स टू बी देयर। जो भी आप खाएं या जो पिए, कुछ लोग होते हैं उनको कोई चीज अच्छी नहीं लगती तो दूसरा खाता है तो उनको गुस्सा आता है। ये क्या देखा है बैंगन यार? अरे बचपन से फेवरेट है बैंगन, खा रहे थे यार, तू कुछ और खा रहा है, मैं तो नहीं बोल रहा हूं ना यार ये क्या करेला करेला मैं तो नहीं बोल रहा ना। जो आपको अच्छा नहीं लगता दूसरे को अच्छा लगता है, प्रेज गॉड करिए उसके लिए। दूध नहीं पी सकते कोई और पी सकता है, प्रेज गॉड कीजिए एक दिन आप भी पीने लगे दूध। दूध हर चीज के लिए किताबें मिल जाती है, दूध खराब है दूध अच्छा है, मीट खराब है मीट अच्छा है। आजकल बहुत हॉट जो है एस्परेगस, हॉलीवुड में पार्टी में जाने से पहले लोग इतना सारा एस्परेगस खाते हैं तो जितनी वाटर रिटेंशन है वो कम हो जाती है। तो वॉट एवर यू ईट एंड ड्रिंक इफ यू डू इट हैपली इट विल गिव यू गुड हेल्थ। मेरे पास 2 आंसर होते हैं, अच्छा खाना ग्रेट है मजा आ गया है भूख कुक्ड है, बुरा खाना कैसा है इट इज डिफरेंट। पर नेक्स्ट टाइम कुछ और बना लीजिए रहम कीजिए। अप्रिशिएट फूड, अप्रिशिएट व्हाट पीपल डू फॉर यू, अप्रिसिएशन गिव्स यू गुड हेल्थ। दिस इज फ्रॉम द डीप वर्ड ऑफ गॉड, from the very core of God and PG. खाना कैसा है? ठीक है, 7वीं चपाती खा रहा है। हाँ ठीक है, अगर अच्छा होता तो फिर तो 15, 20, 25, 30 मतलब। You like somebody's shirt? If you can say nice shirt. ये शुरू से मैं नायर साहब की मूंछ की तारीफ करती हूँ। और ठीक हो गई है ना। अप्रिसिएशन ब्रिंग्स गुड हेल्थ, बिलीव मी। पीपल हु अप्रिच
appreciate the anointing on me are now preachers themselves. Churches have grown who wanted to learn. और जो लोग उसी में फंस रहे देखो पास्टर ने जूते पहने में स्टेज पे होली प्लेस में जूता नहीं पहनना चाहिए यार बढ़िया जूता है ऑक्सफोर्ड का है पहने दे ओल्ड टेस्टामेंट में एक बार लिखा है दिस प्लेस इज होली रिमूवर न्यू टेस्टामेंट में कहीं नहीं लिखा है बहुत हर जगह जूते नहीं उतार पर वो उसी थ्योरी में पड़े थे जूते चर्च में डेल आ गए उसी पड़े सैटरडे सैबथ अरे यार एनी डे द लॉर्ड डिक्लेयर्ड इज सैबथ है अगर फ्राइडे में गल्फ में काम कर रहा हूं और मैं बोलूंगा मुझे सैटरडे को ही छुट्टी चाहिए तो वहां का शेख बोलेगा तू जाके नागपुर वापस जा बठिंडा वापस जा फिर जाएगा फ्राइडे फ्राइडे सैटरडे सर फ्राइडे संडे छोटी छोटी चीजों में लोग फंस के बड़ी चीजों को समझने से रह जाते हैं और रॉन्ग स्पिरिट्स आपको छोटी छोटी बातों में फंसाती है बड़ी बातों में नहीं फंसाती है छोटी 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 छोटा गुस्सा थोड़ा गॉसिप थोड़ा हेट थोड़ा हेट्रेड थोड़ा एंगल इन सब की खिचड़ी बना के सोल स्पिरिट बॉडी पैरों यस एग्जैक्टली आई विश आई कुड गिव दिस मैसेज टू साइकियाट्रिस्ट रियली विद्या जी इलाइजा जी कंचन जी नंदा गुफामे जी हरजिंदर जी अश्विनी जी सबका स्वागत है और सिटिंग हियर आप लोगों को वचन के द्वारा आज मेरे को शायद प्रार्थना भी ना करनी पड़े आप लोगों के लिए जो सुन रहे हैं मुझे नेट के द्वारा या यहाँ पे बैठे हुए हैं आपको स्पिरिट सोल बॉडी में आज हीलिंग मिलेगी पक्की बात जो लोग इस मैसेज को समझेंगे उनको सोल स्पिरिट बॉडी में देह में मेरे में और रूह में आपको चेन्नई मिलेगी बोलिए एक कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय और 27 आयत इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो अगर मैं तो हम लोग अंग हैं किसके क्या हम जलने वाले अंग हैं क्या हम गुस्से वाले अंग हैं क्या हम नफरत करने वाले अंग हैं क्या हम गॉसिप करने वाले अंग हैं क्या हम प्रभु की बात ना मानने वाले अंग हैं तो हम बीमार अंग हैं प्रभु को बीमार अंग उसके बदन में नहीं चाहिए जैसे हमें भी नहीं चाहिए तो अगर मैं हेल्दी हूं ये हेल्दी है जो कि है देखिए कौन सी मैंने जोक मार दिया तो दीपा वहां पे उल्टी सीधी हो रही है पता नहीं क्यों गलत बोला मैंने कहा मैं हेल्थी हूं तो आप लोग नहीं हंस जब मैं बोल रहा हूं ये हेल्थी है तो आप लोग हंस जिससे यू बिकम सुपड़ा बोल मिल ठीक हो गए क्या बोला घर जाने वाले घर जाने वाले नहीं रितेश नहीं घर जाऊंगा वो आज इसका मैंने होटल बुकिंग करा तो क्या बोल रहा हूं जीसस की चक्की काटा खाओ भैया हेल्दी अच्छा सो कहा था मैं और
नानक सिंह जी सुधा सोलोमन जी विदय जी सबका स्वागत है जी। जय मसीह की नानक जी। अच्छा नाम है आपका। हाँ जी बताइए कहाँ नाम है? अलग अंग। सो इफ द लिम्स ऑफ जीसस आर अनहेल्दी द चर्च विल बी, अगर हमारे अंग मजबूत नहीं है तो हमारी बॉडी वीक, अगर हमारे अंग मजबूत है तो हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग। उसी तरह अगर प्रभु का कलीसिया स्ट्रॉन्ग बनाना है तो हमें एक दूसरे को प्यार करना है और एक दूसरे को जो कमजोर है उनको ताकतवर बनाना है। ठीक है, हमें एक प्राइस से खरीदा गया जो थी यीशु मसीह की जान, उससे हम खरीदे गए। छोटा मैटर नहीं, बहुत बड़ा मैटर। उससे हम खरीदे गए तो हमारे को देखना है कि मेरा भाई या बहन जैसे वो स्ट्रांग होता है, ये बच्चा स्ट्रांग होता है, लोग हील होते हैं तो हम प्रभु यीशु का बदन ताकतवर होगा। जब प्रभु यीशु का बदन ताकतवर होता है तो हम और आप ताकतवर होते हैं। और बच्ची कितना साइंटिफिक है, आई थिंक इट्स वेरी साइंटिफिक। थैंक यू एलाइजा, यू फाइंड द वर्ड पावरफुल, आई अप्रिशिएट दैट वेरी मच। And thank you for joining in. Thank you so much, Elijah and others. Soul is the life that a person has. Soul क्या होता है? लोग सोचते हो सिर्फ mind है। नहीं, soul हमारी जिंदगी है जिसमें memory है, feelings है, emotions है, कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन नहीं है, वो सब सोल में होता है। आदमी को सोल बोला जाता है, इज अ गुड सोल। महात्मा गांधी इज अ गुड सोल, इन पर्सन सिंबल। रूह जो होती है वो ग्रीक में उसको बोलते हैं रू वाच, आर यू ए सी। Correctly, but from the look of it, it seems like ruach, the Greek word ru, बोलिए ru, जिसके हम दीवाने हैं, उसका मतलब होता है ru spirit, और उसका मतलब होता है ताकत force, और उसका मतलब होता है life force, जिंदगी की ताकत। सोल क्या है? जिंदगी। जिंदगी की ताकत होली स्पिरिट। ये समझ लीजिए बाबा, जिंदगी की ताकत होली स्पिरिट। जिस एरिया में होली स्पिरिट आपके मूव करेगा उस एरिया में आप प्रभु को ओबे करेंगे। ये बड़ी एक जो आपको अच्छा लगता है वो आपको करने को अच्छा लगता है ना, है ना? अभी दीपा ने एक बात बोली, छोटी नहीं थी वो, कि बाइबल स्टडी चेंज माय लाइफ। उसका एक इफेक्ट ये हुआ कि वो पतली हुई, और वो इनडायरेक्ट इफेक्ट है, जो आलस था वॉक में से वो निकल गया। किसने निकाला? वर्ड ने निकाला। देखिए आप सब चीज जो होती सीधी नहीं होती, कभी कभी टन 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 बहुत कुछ समझ के समझना चाहिए, और फिर सिंप्लीफाई कर देना चाहिए अपने माइंड में। आपके अरे यार विजय तो इकट्ठी बनाओ है कि नहीं, तब मजा। तो जो बुरा भी लग रहा है प्रभु उसको अच्छा बना रहा है, अगर आप मेरी बात आज समझ रहे हैं और मैं अपनी बात आज समझ रहा हूं जी।
निर्देश तेरे साथ हो Nanak Singh ji, I am from Kuwait City, Pastor Nanak Singh from Punjab, Indian based. God bless you, Nanak Singh ji. God bless you. Ruash, holy Ruash. An invisible spark of life that animates, drives all living creatures. I wish I had it, which is good. I would write. The Holy Spirit drives us into action. With a healthy soul, a healthy body, and a healthy spirit. They are healthy, Ruh healthy, or Main healthy. A wrong spirit drives a day, a soul, a spirit which is sickly, cancerous. Precious people get cancer sometimes, but I'm talking about another type of cancer. A driving force which is sick can ever make you healthy. जो आपको चला रहा है, आपके देह को चला रहा है, आपकी जिंदगी को चला रहा है, आपकी लाइफ को चला रहा है, अगर वो चीज बीमार है और उसका कोई इलाज नहीं हो रहा है तो बीमारी स्प्रेड करती है. तो तीनों रेल्म जिसके हम बने हुए हैं, हमारी देह, हम खुद और हमारी ड्राइविंग फोर्स खराब हो जाती है. तो आज जो भी बीमार है आपके अंदर, आपके सोल में, आपके देह में, आपकी स्पिरिट में, उसको 50 सेकंड देता हूं मैं आपको. इसमें हैंड नहीं है, जब हो जाए इट स्टार्ट्स नाउ. एक मिनट के यू रिब्यूक इट वेदर यू नो इट नॉट. बोलिए, नोन एंड अननोन सिकनेसेस इन माय सोल, स्पिरिट एंड बॉडी आई रिब्यूक. जो मैं जानता हूं, जो मैं नहीं जानता हूं, मेरे देह में, मेरे में और मेरी रूह में जो गलत है उसको मैं रिब्यूक करता हूं, क्रूस पर ले जाके कैंसिल करता हूं, उसको होने से मैं खत्म करता हूं. वन मिनट. जो भी मेरे में बीमार है, सोल में प्रभु, स्पिरिट में प्रभु, देह में प्रभु, बॉडी में प्रभु, उसको मैं क्रूस पर ले जाके कैंसिल करता हूं, क्योंकि मेरे लिए एक दाम दिया गया है, वो दाम का नाम है यीशु मसीह. Today's message is not for the weak-hearted. Ruh एक invisible force है जो दिखते नहीं है. वो दिखते नहीं है, लेकिन वो power है जो हमारी जिंदगी को जिंदगी देते हैं. Holy Spirit वो spark है जो हमारी जिंदगी को जिंदगी देते हैं, खुशहाल बनाते हैं, खुशहाल बनाते हैं. मैं काफी 17 से 18 में बोल रहा हूं कि अगर खुशी नहीं है तो क्या जीने का मामला है. अपना गोल्ड खाएगा, अपना पैसा जरूरी है, लेकिन ट्रांसफर नहीं होता जमीन के ऊपर. खुशी तीन चीजों में एग्जिस्ट करती है, अगर वो हेल्दी हो तो, अगर वो तंदुरुस्त हो हमारा देह, हम और हमारी रूह. अगर ये ठीक है तो हमारा पैसा, हमारा बिजनेस, हमारा ये नहीं होगा, गलतियां करेंगे, लेकिन ये रूह हमें आगे ले जाए, गलती से सिखा के आगे ले जाए, गलती से सिखा के आगे ले जाएंगे. कौन सा आदमी परफेक्ट है? हल्को यहां परफेक्ट है, अपने आप को थप्पड़ मारे जोर.
Holy Spirit आपको थोड़ा सा ओके ये गलत जा रहा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है हाँ अरे ये गलत कर दिया अभी दोबारा करेगा क्या हाँ करूंगा उल्लूगा पर जो समझदार होगा वो दोबारा करेगा क्या नहीं सर बिल्कुल नहीं है ना यू कैन नॉट रीच अ डिफरेंट डेस्टिनेशन अकॉर्ड राइट नाउ फ्रॉम माई स्पिरिट यू कैन नॉट reach a different destination using the same route. You cannot reach a different destination, expect to reach a different destination using the same route. आप जिस चीज से फेलर हुआ है जो तरीका आपने इस्तेमाल किया दोबारा वही तरीका इस्तेमाल करेंगे आप सक्सेसफुल नहीं होंगे फिर फेलियर होंगे रूट चेंज करना पड़ता है तरीके चेंज करने पड़ते हैं और होली स्पिरिट आपके साथ है वो एक्सपीरियंस आपकी किताब के लिए इकट्ठा करते हो आप कोई बायोग्राफी आपने पढ़ी है फिर मेरी लॉटरी निकल गई फिर मेरे को अडॉप्ट कर लिया प्रेसिडेंट ने फिर मेरे को ये हो गया फिर मेरे को इनहेरिटेंस ऐसे नहीं होता है फिर मैं स्लम में सोया फिर मेरे को एक आदमी ने मदद करी 500 रुपए की यहां में 600 रुपए लेके आया वो एक ऑटोब्राइट बायोग्राफी चलती कैसे प्रभु मदद करता है कैसे किसी को बनाता है उसी तरह से जब प्रभु हमारे साथ होता है ये नहीं कि हम गलती नहीं करेंगे जो आदमी बात सुनता है और करता है उस घर में तूफान आता है पर वो घर गिरता नहीं समझ नहीं बात आप तूफानों से बच जाएंगे नहीं पर आप गिरेंगे आप मरेंगे और जो आदमी मेरी बात सुनता है और करता नहीं है वो संगे मरमर का घर वैसा ही लगता है जैसे दूसरा लेकिन वो चट्टान पर बना हुआ है ये रेत पर बना हुआ है जब आंधी आती है तो गिर जाता है सोल एंड स्पिरिट आर नॉट द सेम समझ आ गई बात ना कार पेट्रोल रेडियो बैटरी ऑन अ वेरी स्मॉल लेवल व्हाट स्टार्ट्स योर बॉडी इज द स्पिरिट व्हाट स्टार्ट्स योर सोल इज द स्पिरिट इफ द स्पिरिट इज रॉन्ग यू सिक If the spirit is right, you are healthy. बोलिए प्रभु बेटा पवित्र आत्मा और मैं देह सोल रूह प्रभु कोई और रूह नहीं चाहिए मुझे बदरूह नहीं चाहिए मैंने देखा है पास्टर्स की मीटिंग में बहुत लोग बदरूहों से दुखी होते वैसी रूह नहीं चाहिए मुझे स्वच्छ रूह चाहिए मुझे वो रूह चाहिए जिसके लिए प्रभु यीशु ने अपनी जान दे दी मुझे खरीदा मुझे और कोई स्पिरिट नहीं चाहिए कोई स्पिरिट नहीं चाहिए चाहे उसमें कितना पैसा हो कितना धन हो कितनी फेम हो कितना नहीं चाहिए मुझे सिर्फ प्रभु यीशु की होली स्पिरिट चाहिए अगर कोई और स्पिरिट है मेरे में आज तो वो मेरे से आज निकल जाए और कभी वापस फिर से आपको एक स्क्रिप्चर पढ़ाऊंगा जो आपने शुरू में पढ़ा कि आपको जो मैंने आज सिखाने की कोशिश की है आपको और समझ आए 1 थेसलोनियंस
5 and 23. एक थिसलोनियों की पुस्तक उसका पांचवा अध्याय और उसकी 23वीं आयत। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। First, I said in English, there's a done work waiting to be done in me. एक किया हुआ काम प्रभु यीशु का आप में होने वाला। कुछ हो चुका है, कुछ होता रहेगा आपकी जब तक आप उसके पास नहीं। It's already a done work, लेकिन प्रभु अंडरस्टैंडिंग के साथ वो डन वर्क को आप में कंप्लीट करता है। मैं गाड़ी में पेट्रोल डलवा दूं, गाड़ी अच्छी सी आपको दे दूं, आपको चलाने नहीं आती तो फायदा नहीं, धूप नहीं नहीं जा गया। लेकिन अंडरस्टैंडिंग जब आती चलाने की, तब पेट्रोल समझ आता, तब कार समझ आता। बीवी कभी समझ नहीं आई, मुझे आ गई आपको ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, वो समझने की कोशिश मत कीजिए। अच्छा, विद्युत पंचाल का भी ये बना गया, वो भी कुछ समझ नहीं पाया। किधर है निकल? अच्छा अच्छा, होता है बेटा। ओके, वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग, one of the most powerful, one of the most intriguing, one of the most fascinating, one of the most dramatic characters of the Bible is David. एक सबसे चमत्कारी, एक सबसे ताकतवर, एक सबसे सबसे poetic, romantic, एक सबसे प्रभु को प्यार करने वाला character है दाऊद, मानते हैं उसको? बहुत पाप आदमी था, बॉम्बे की नहीं। हाँ, बचपन में भालू मार दिया, शेर मार दिया, गोलियत को मार दिया, है ना? बॉम्बे की लाइफ में बहुत पाप आदमी था। वेरी पावरफुल कैरेक्टर ऑफ मेनी मिक्सेस एंड मेन एंड वुमन वुड हैव लव्ड द कैरेक्टर लाइक दिस, वाज अ वॉरियर एंड अ पोएट। क्या कॉम्बिनेशन है! Ask the ladies, very gently comment. He was a king, he was a shepherd. He used to make musical instruments. He's compassionate. He was passionate, which cost him his son. But nobody can deny he's one of the big heroes of the Bible. Now, David. What does he say here? I think दाऊद को पता है वो क्या बात कर रहा है, है ना? बड़ा हैंडसम आदमी था, ओल्ड एज में मरा, बड़ा कुछ किया, जंगे की सांस की किताब में लिखी है दाऊद जी ने, राज किया, जंगे जंग जंग की इतने सारे सांस लिख दिए, बीच में गलतियां करी, गलतियों से माफी मांगी, आगे बढ़ते रहे। फिर उन्होंने बोला कि आज पहले मैं जवान था, अभी बूढ़ा हूं, लेकिन प्रभु के लोगों को कभी मैंने भी मानते नहीं देखा। काफी ओल्ड एज में प्रभु के पास गया। अभी वो अगर ये बोल रहा है, देखिए तो हमें कितना बोलना चाहिए। अगर वो ये बोल रहा है तो हमें कितना बोलना चाहिए? आप पढ़ेंगे तारा जी साम 51:10-12, बस ये
मिल जाए आपने बॉल दे रहा हूं भजन संहिता उसकी 51 अध्याय और उसकी 10वीं आयत से 12वीं आयत हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर एक मिनट दाऊद के बारे में प्रभु ने ये बोला है ही इज अ मैन आफ्टर माय ओन हार्ट कि ये जो आदमी है ये जैसा मेरा दिल चाहता है मनुष्य हो वैसा है वो क्या बोल रहा है और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर मतलब अशुद्ध मन आया राजा दाऊद के मन में होली स्पिरिट को छोड़ के एक अशुद्ध मन आया हमारे में भी आता है अगर इसके मन में नहीं आता अपने आप को राजा दाऊद का मन अशुद्ध हो गया तभी तो वो बोल रहा है कि मेरा मन शुद्ध कर फिर से पढ़ वही जो मैं बोला आगे मैं जाने के लिए बोलूंगा हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर तो हम भी बोलते हैं मेरे प्रभु मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर रिन्यू कर मतलब मन बदल गया था सबका बदलता है अभी नेक्स्ट और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर रिन्यू अ स्टेडफास्ट स्पिरिट इन मी एक नए सिरे से स्थिर आत्मा स्थिर आत्मा मतलब आत्मा अस्थिर हो गई अस्थिर ये मेरा हिंदी का डिक्शनरी है मतलब स्थिर नहीं रही थी होली स्पिरिट के जगह कोई और स्पिरिट आ गई थी हमारे में भी आया जो आदमी पकड़ लेता है वो बुद्धिमान है और सर थोड़ा बुद्धिमान तो होता है पर उसको पकड़ना है स्थिर स्पिरिट से अस्थिर ठीक है यार चलता है चले यार ठीक है फिर स्पिरिट बदल जाती है फिर हमारा देह हमारा बदन और हमारी रूह कमजोर होती है और हम बीमार होते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर बीमार हैं तो आप कुछ हर गलती करे जा रहे हैं नहीं मेडिकल रीजन भी होते हैं एजिंग भी होती है लेकिन अगर आप बीमार भी हैं अगर आपकी तीनों चीजें हेल्दी है ना तो आपको ये उम्मीद पक्की है कि आप फिर से एकदम तंदुरुस्त होंगे ये है मैं और रूह बनाते हैं परमजीत सिंह बनाते हैं तारा बनाते राजीव बनाते हैं विजय मेनू शारदा एटसेट्रा तो वो स्टेडफास्टनेस जो होली स्पिरिट की थी जब वो टूटने लगती है आपकी रेड बत्ती जलनी चाहिए और फिर आपको क्या बोलना चाहिए प्रभु बोलिए बड़ी सकते हो दूसरी लाइन और मेरे भीतर इसके साथ बोलेंगे और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर इसका मतलब ये है कि वो मिक्स ना हो जाए मिक्स नहीं कभी होली स्पिरिट कभी दूसरी स्पिरिट वो चीज निकले जो प्रभु की नहीं है और नए सिरे से ए से लेके जेड तक पवित्र आत्मा से अभी तीसरी पंक्ति मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर मेरी गलतियों की वजह से मुझे अपनी उपस्थिति से निकाल ना दे प्रभु
मैं जो दूसरी स्पिरिट्स में चला गया था उसकी वजह से मुझे अपनी उपस्थिति में समझ नहीं रहा प्रभु मर जाऊंगा। अगला अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। एक पहला इससे पिछला भक्ति पर और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। मुझे अपनी बस्ती से मत निकाल और अपनी पवित्र आत्मा से अलग न कर क्योंकि मेरे में स्पिरिट्स अलग आ गई थी, मेरा माइंड बदल गया था, मेरे में स्थिरता नहीं रही थी उन गलतियों की वजह से ना कर प्रभु नहीं करेगा। फिर अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। जो तेरी तेरा उद्धार किया है जिसके लिए यीशु मसीह ने अपनी जान की कीमत दी है मेरे लिए उसकी खुशी मेरे दिल में फिर वापस भर देगा। और फिर और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। और उदार आत्मा रिस्टोर टू मी द जॉय ऑफ योर सैलवेशन एंड अपहोल्ड मी बाय योर जेनरस स्पिरिट। होली स्पिरिट खड़ा करते हैं, अदर स्पिरिट्स गिराते हैं। ये याद रखेंगे एवरी अदर स्पिरिट बिसाइड द होली स्पिरिट थोड़ी देर के लिए आपको अच्छी लगेगी फिर वो आपको मार देगी, वो आपको खत्म कर देगी, वो आपको बीमार कर देगी, थोड़ा दिन बहुत चमकेगी, लिशकारे मारेगी, गड्डियां दी लिशकारे मार दी। मैं याद आए मेरे यादी फिर वोटी दी सोटी जिन्हों ने समझ आई है उन्हों का भी भला जिन्होंने नहीं आई उन्होंने भी भला। Thank you. Bye-bye.